जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़ कहाँ जाना है बोलो? अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो मुझे बेफिजुल बात करने की आदत तो है नहीं, चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई हमको तो चलना नहीं है। चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया, अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो आज तो वही मिसाल हो गई कि हाँ चलिए, चलना है यार। हाँ हाँ तो आ जाओ, मैंने कब मना किया? देखो मुझे बेफिजुल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले ही से बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गए सो बोल गए। हाँ तो ठीक है, हम तो हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तो पूछो कि तांगा किस गांव का है। पूछो। किस गांव का है जी? रामगढ़ का है। अच्छा तो रामगढ़ का है। यूँ की देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं, यहाँ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए, क्योंकि तांगा भी रामगढ़ का है और हम भी रामगढ़ के हैं। ये तो हुई हमारी बात, अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूँ के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? क्योंकि वहाँ किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती उस घर को ले चलो, क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि तुमको जाना कहाँ है तो हम तांगा रोकेंगे कहाँ, और अगर हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे? क्योंकि देखने वाली बात ये है कि तांगा चला कौन रहा है, तांगा हम चला रहे हैं, और अगर हम ही ये न जाने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? तो फिर बोलो ना ठाकुर साहब के घर जाना है। तो ये कि माँ बाप तो हमारे पहले ही से नहीं थे, और फिर मौसा के बाद मौसी, और तांगे की जिम्मेदारी किस पर आ गई? हम पर आ गई। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्नो घोड़ी होकर तांगा खेल सकती है तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती है? बोलो इसमें क्या बात है, शहर में भी तो लड़कियां मोटर गाड़ियां चलाती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। रहने वाले शहर के हो लेकिन समझदार लगते हो, क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुपे, जब देखो बकबक 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 करता रहता। क्योंकि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बताए देते हैं हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। बसंती बड़ा प्यारा नाम है। हमारा नाम बसंती क्यों रखा गया इसके पीछे भी एक बात है। क्या बात है बताओ बताओ। वह ये कि जब मैं छोटी सी थी तब मौसी के देवर की सास ने कहा क्या कहा? कमाल हो गया, तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। हाँ हमें जरा बात करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। यूँ कि तुम आदमी अच्छे हो इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या, इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। चल धन्नो पलट। हाय क्या प्यारी बातें करती है। प्यारी नहीं बहुत सारी बातें करती है। चल यहाँ लड़की देखी लाइन लगाना, चलो चल चलना। आइए आइए आइए। नमस्ते ठाकुर साहब। यहाँ पहुंचने में तकलीफ तो नहीं हुई? जी कोई खास नहीं है। अगर एक खत डाल देते तो मेरा आदमी स्टेशन आ जाता, तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है।
किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना रावलाल। मेरा वादा था गांव पहुंचते ही तुम्हें 5,000 मिल जाएंगे। काम अच्छी तरह याद है ना, मुझे गब्बर चाहिए जिंदा। जी हाँ याद है, आपको गब्बर चाहिए और जिंदा चाहिए, मिल जाएगा। थके होंगे, आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। आइए। आइए। सुनिए, आप लोग वहां चलिए, मैं चाबी लेकर आता हूं। तिजोरी में काफी माल है। लगता है इस गांव के लोग सोना बहुत पहनते हैं। बोल क्या बोलता है? काफी बड़ा मकान है। अच्छा है, कौन कौन रहता है यहाँ पर? चाबी, ये आपके रहने की जगह है, किसी चीज की जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा। पुकार लेंगे। यार वीरू, चक्कर क्या है कुछ समझ नहीं है? हमें क्या लेना है जय? 10,000 ठाकुर ने दे दिए हैं, बाकी आज रात को तिजोरी में झाड़ू मारकर फूट चलेंगे। ठीक है, अगर रात को जागना है तो अभी सो लें। चल। ठाकुर साहब, ये लोग? ये मेरे आदमी है। तो फिर इन्होंने हम पे हमला क्यों किया? मैं देखना चाहता था अब भी तुम में वही हिम्मत और ताकत है या वक्त की दीमक ने तुम्हारे बाजुओं को खोखला कर दिया। तो फिर क्या देखा आपने? मैंने देखा तुम्हें यहां बुलाकर मैंने कोई गलती नहीं की। एक गलती की ठाकुर साहब, हमें तिजोरी खोल कर दिखा दी। Thank you.
ये लो तिजोरी की चाबी, इसमें मेरे वो गहने जो मेरे लिए बेकार है, मुझे अब कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी ले जाओ। अच्छा है, बाबूजी की झूठी उम्मीदें तो टूटेंगी जो उन्होंने तुम लोगों से लगा रखी है। सुनिए, कल रात जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। ले और ले, खा खा के घोड़ी हो गई है, लेकिन यहाँ से बेलापुर जाना हो तो नखरे देखो इनके, खाए जाओ बकर बकर। ओ बसंती, मौसी मैं यहाँ हूँ इस गधिया के पास। लो अब इनकी झिक झिक सुनो। अरे वो छोकरिया, दिन भर हवा हवाई घूमती हो मगर मैं कोई काम बोलूँ तो जू नहीं रेंगती कान पर। लो और सुनो। अरे मौसी तुम तो बस हुक्का पानी लेकर चढ़ जाती हो, सुनती तो हो नहीं। कौन सा काम कहा था तुमने वैद्य के पास जाने का? ना तो मैं गई थी तुम्हारी दवा लाने के लिए वैद्य के पास, अब वो थे नहीं तो मैं क्या करूं? पड़ोसी कह रहे थे कि वो बहुत बीमार हैं और दूसरे गांव गए हैं दवा दारू लाने के लिए। ओहो, मैंने तो वैद्य का नाम भी नहीं लिया और तूने पूरी कथा सुना दी। तो फिर कौन सा काम कहा था? कच्चे आम लाने को नहीं कहा था अचार के लिए? पर तुझे याद रहे तब ना। कच्चे आम? हाँ कहा तो था, भी लाती हूँ। इमाम साहब मैं आपको छोड़ दूं? कौन? बसंती। हाँ। आज तू है। कितने बरस हो गए मुझे इस गांव में, तू तो पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन आज तक मस्जिद की सीढ़ियां मैं बाद में उतरता हूँ, कोई ना कोई सहारा पहले दे देता है। हाँ हाँ तो क्यों नहीं देगा सहारा, क्योंकि ऐसा गांव में कौन है जो आपकी इज्जत नहीं करता हो? जो इज्जत करेगा, जो मान देगा वो सहारा क्यों नहीं देगा? वो तो देगा सहारा, क्योंकि देखने वाली बात ये भी है कि इतनी बकबक कर लेती है तो अहमद को समझाती क्यों नहीं? तुझसे तो थोड़ा छोटा भी है उम्र में। क्योंकि हमें समझाना तो बहुत अच्छी तरह आता है इमाम साहब, और आपके बेटे को भी समझा सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है कि जब तक हमको ये नहीं मालूम हो कि हमें समझाना क्या है तो फिर हम समझाएंगे कैसे? अरे भाई, अहमद का मामू जबलपुर में बीड़ी के कारखाने में मुलाजिम है, 300 रुपया तनख्वाह है। अच्छा? हाँ, कितनी बार मुझे लिख चुका है अहमद मियाँ को यहाँ भेज दो, अपने सेठ जी से कहकर दफ्तर में रखवा देंगे, लेकिन ये अहमद है कि जाने को तैयार ही नहीं है, कहता है आप अकेले हो जाएंगे। कैसी हो दीदी? अरे भाई अहमद हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम ये बताओ, एक तो तुम 10 जमात पास भी हो, अंग्रेजी भी जानते हो, और तुम्हारे जबलपुर के मामू ने लिख भी दिया है कि तुम भी आ गई अब्बा की बातों में, जो मिलता है उसे यही कहते हैं। अरे भाई बसंती ने पूछा, मैंने कह दिया। क्योंकि हमें बेफिजूल बात करने की आदत तो है ही नहीं, लेकिन सोच लो ये कारखाना बीड़ी का है, जब तक दिल चाहा काम किया, नहीं तो आराम से बीड़ी पी ली, यानी कि ये तो वही मिसाल हो गई कि आम के आम गुठलियों के दाम। अरे क्या हुआ? आम, मैं तो फिर भूल गई थी, कच्चे आम। कच्चे आम? हाँ कच्चे आम अचार के लिए।